हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे सेंसर टैक्सोनॉमी इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क। बेसिकली सेंसर टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो सेंसर टैक्सोनॉमी वो सारे फैक्टर है जिन्हें हम देखने के बाद ही क्या करते हैं, किसी भी सेंसर को चूज करते हैं, उसे कहा जाता है सेंसर टैक्सोनॉमी। अब आप इसको वर्ड्स में अपने लिख सकते हैं कि द फैक्टर्स, हम लोग जो फैक्टर्स को देख के किसी भी सेंसर को चूज करते हैं अपने एप्लीकेशन के मुताबिक, उसे क्या कहा जाता है सेंसर टैक्सोनॉमी। वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसे हमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो कौन सा आता है, सेंसिंग मॉडेलिटी। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो सेंसिंग मॉडेलिटी है, इट मीन्स कि जो हमारा सेंसर है उसका मॉडल देखना है, उसका पर्पस देखना है, एंड वो किस जगह पे हम उसके मॉडल्स को सफिशियंटली लगा सकते हैं, उसका जो साइज हो वो सारा कैसा हो, हमारे एप्लीकेशन के मुताबिक क्या हो, एडजस्ट होता हो। ऑलराइट, तो उसे क्या कहते हैं, सेंसिंग मॉडेलिटी। अब इसमें आप लेट से कि टेम्परेचर सेंसर का यूज कर रहे हैं, आप अगर अपने रूम में टेम्परेचर सेंसर का यूज करेंगे तो आप अलग टेम्परेचर सेंसर यूज करेंगे, अगर आप टेम्परेचर सेंसर का थर्मोमीटर में यूज करेंगे तो अलग टेम्परेचर सेंसर यूज करेंगे, और सिमिलरली अगर आप किसी इंडस्ट्री में किसी बर्नर के पास अगर कोई टेम्परेचर सेंसर यूज करेंगे तो वो अलग यूज करेंगे। सो क्या है? ये है सेंसिंग मॉडेलिटी। हम लोग अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली क्या चूज कर रहे हैं, टेम्परेचर सेंसर चूज कर रहे हैं। ऑल राइट, देन उसके बाद आता है पावर रिक्वायरमेंट। अब हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क की बात जब भी हम करते हैं तो इट मींस क्या है, यहाँ पे बहुत सारी लो पावर डिवाइसेस हैं जो बैटरी पे चलते हैं या बहुत कम पावर लेके चलते हैं। तो जब भी हम कोई सेंसर चूज करते हैं तो हमारा प्राइमरली गोल यही होता है कि वो कैसा होना चाहिए, पावर इफिशियंट होना चाहिए, उसकी जो चार्जिंग हो, उसका जो करंट कंजप्शन हो, जो बैटरी का कंजप्शन हो, वो बहुत कम होना चाहिए। इसलिए हमें उसका क्या देखना पड़ता है, पावर रिक्वायरमेंट। लेट से ज्यादातर जो सेंसर चलते हैं वो कितने वोल्ट पे चलते हैं, 5 वोल्ट के आसपास ही चलते हैं या फिर इससे भी कम, 3.7 वोल्ट पे चलते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आता है ट्रांसमिशन रेंज। जो सेंसर्स नेटवर्क में लगा है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क में लगा है, उसकी रेंज कितनी है, वो जो डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है, जो सेंसिंग डाटा है, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है आ रहा है, उसको ट्रांसमिट करने की उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, जो सेंसर हम लोग यूज कर रहे हैं उसे भी हमें देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमें, ट्रांसमिशन रेंज भी क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इसलिए ट्रांसमिशन रेंज भी क्या है, सेंसर टैक्सोनॉमी। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। अब लेट से एक्यूरेसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कभी भी कोई भी मशीन 100% इफिशियंट नहीं होता अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब जो एक्यूरेसी की बात आती है, लेट से कि मैं आपको एक टेम्परेचर सेंसर का नाम बताता हूं, उसका नाम है DHT11। ठीक है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है DHT11। ये एक टेम्परेचर सेंसर है, 0 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस में ये काम करता है। ठीक है, तो अब ये जो एक्चुअली में जो बताता है हमें, क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है 0 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इसका जो डाटा रहता है ये कितना रहता है, प्लस माइनस टू डिग्री सेल्सियस। तो ये जो डाटा बताता है वो 2 डिग्री ज्यादा भी हो सकता है, इट मीन 57 भी हो सकता है, या फिर 2 डिग्री कम भी हो सकता है, 2 डिग्री कम कर दे तो कितना, 53 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो अब हमें सेंसर देखना पड़ेगा कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना ज्यादा वो एक्यूरेट है, क्योंकि हमें एक्यूरेसी अगर चाहिए हमारे हमारे एप्लीकेशन में, हम जहाँ पे यूज कर रहे हैं किसी सेंसर का, अगर हमें बहुत अच्छे से एक्यूरेसी चाहिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका क्या देखना है, एक्यूरेसी देखना पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी भी देखना किसका फैक्टर है, इट इज द फैक्टर ऑफ सेंसर टैक्सोनॉमी। ऑलराइट, उसके बाद आता है सैंपलिंग रेट। तो सैंपलिंग रेट कितना है, वो किस हिसाब से जो सिग्नल्स भेज रहा है उसका सैंपलिंग रेट कैसा है, है ना, उसे भी हमें देखना पड़ेगा। ऑलराइट, उसके बाद आता है एप्लीकेशन, जो कि मैंने पहले ही बताया जब सेंसिंग मॉडेलिटी की बात किया तो मैंने बताया कि अगर आप अपने रूम का टेम्परेचर जानना चाहोगे तो अलग सेंसर यूज करोगे, अगर आपकी तबीयत खराब हुई थर्मोमीटर वाला सेंसर यूज करोगे तो वो अलग आएगा, एंड सिमिलरली अगर आप किसी सेंसर का इंडस्ट्री में यूज करोगे तो उसका जो एप्लीकेशन है वो अलग है, एक्चुअली में वहां पे एक्सट्रीम हीट है, हमारे रूम में तो एक्सट्रीम हीट है नहीं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या यूज करना पड़ता है, सेंसर का मॉडल, डिजाइन, ट्रांसमिशन, सारे फैक्टर्स में क्या करना पड़ता है, देखने पड़ते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने लास्ट में हमने क्या देखा, एप्लीकेशन। उसके बाद एक पॉइंट और है जो यहाँ पे रह गया है, वो क्या है, वो है लोकेशन, कि हमें एक्चुअल में उसको लगाना कहाँ है, कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे जगह, यहाँ पे लिख दूं,
ऑलराइट, तो हमें उसको लगाना कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, ये भी देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट होगी, है या नहीं? रूम में उतनी हीट होगी? नहीं होगी। रूम में नॉर्मल बहुत ज्यादा टेम्परेचर जाएगा, 30, 32, 35, है ना। बट इंडस्ट्रीज में बर्नर के पास 100 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा सकता है ना। तो लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, सेंसर्स को लगा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो सेंसर टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। बट स्टिल अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।